आज मम्मी ने सुबह सुबह बना दिए हैं गोभी के परांठे, जो कि मेरे तो बहुत ज्यादा फेमस हैं, आई मीन फेवरेट हैं। लेकिन इन्हीं चीजों की वजह से मेरा जो वेट है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, अब मैं उसका कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। Hey, what's up everybody, this is Sagar, welcome back to my YouTube channel। मैं गाइस आपको बताना चाहता हूँ, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसको मुझे एडिट करने में पूरे 4.5 घंटे लगे, उसके बाद फिर उसको अपलोड करने में वो टाइम लगा, थंबनेल बनाने में आधा पौना घंटा उसमें लग गया। थंबनेल मुझे थोड़ा सा ज़्यादा तक पसंद नहीं आया, क्योंकि जिस टाइप का मैं थंबनेल चाहता था उस टाइप का थंबनेल बन नहीं रहा था, क्योंकि उसके लिए थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है। अभी मैं सीख ही रहा हूँ चीज़ों को, तो इस वजह से थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हो जाती है। लेकिन जो कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ आप उसको एक बार जरूर देख लेना, बहुत अच्छी बनी है, बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ एक बार देखना, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ ट्राई किया है गेम वेम खेलना, अगर आपको अच्छा लगे तो उस वीडियो में जाए कमेंट कर देना, और अगर आप देख चुके हो तो यहाँ पे भी कमेंट करके बता देना कि कैसे लग रही है। और फिलहाल तो ये पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं छोले भटूरे खाने के लिए, क्योंकि सब लोग घर बैठे हुए थे, बोर हो रहे थे, बोरिंग में सब लोगों ने सोचा कि यार छोले भटूरे सबसे बेस्ट चीज़ होगी खाना टाइम पास करने के लिए, और आज का जो हमारा लंच है वो छोले भटूरे से ही हो जाएगा, क्योंकि उसे खाने के बाद कुछ और चीज़ खाई नहीं जाती। अभी वेट हो रहा सब लोग का, सब लोग बाहर खड़े हैं, अब वहाँ से आएंगे, उसके बाद निकलते हैं हम छोले भटूरे के लिए। नीति मेरा खाना मत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने छोले भटूरे खा लिए बाहर जाके, यही तो मेरा गेम प्लान था। वैसे मेरे को बाहर के पसंद भी नहीं है। ठीक है, तो हट क्यों बोल रही है? तेरे साथ क्या हुआ अभी? नीति ने ना अब लेटेस्ट अपने चैनल पे वीडियो डाली, इसके चैनल में बहुत मस्त वीडियो थी, मस्त। पता नहीं क्या हुआ कि बीच में से एक सीन था वही कट गया, पता बीच में से इतना सा पार्ट जो है वो हट गया और तो हो गया। ये ड्रिल कौन कर रहा है घर के अंदर हमारे? हमारे घर के अंदर छेद हो रहे हैं। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि नीति ने अपने वो चैनल से वीडियो डिलीट कर दी है और अब वो दोबारा अपलोड कर रही है ना, दोबारा कर रही है ना। हाँ, तो अब ये दोबारा अपलोड होगी वीडियो देखने के बाद, दोबारा देखा ना वो वाला सीन आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि अभी का सीन कुछ ऐसा है कि भारी नुकसान हो गया नीति का। अरे इसको इसका दिमाग तो देखो, इन्हें वीडियो एडिट करी अपने मतलब दूसरे मोबाइल में, ये लैपटॉप यूज नहीं कर रही, आई तो उन्होंने पता नहीं क्या इसको मतलब लैपटॉप बिल्कुल हाथ नहीं लगा रही है, वो इसकी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन इसने वीडियो एडिट करी मोबाइल से, और मतलब हमारे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, इसने वहाँ पर ही एडिट करी और एडिट करने के बाद व्हाट्सअप कर दी वीडियो। दिमाग देख कितना चलाया इसने, और व्हाट्सअप पर पता है कि क्वालिटी गिर जाती है। अब जो इसकी वीडियो क्वालिटी वो इतनी अच्छी नहीं आ रही जितनी अच्छी आनी चाहिए। अब समझाओ इसको कोई यार कैसे होगा। भाई नीति को पापड़ खाने हैं और नीति कह रही है कि मैं भी खाऊं और मम्मी भी खाएं, ऐसा कैसे चलेगा भाई? अकेले के लिए बना ले। देखो देखो नुकसान कर दिया इसने, नुकसान कर दिया पहले से, नुकसान कर दिया भाई। मैं ना मूवीज देखने के लिए बैठा, पहले तो मैंने एक मूवी देखी डंकर्ड, मैंने देखने की कोशिश करी, मुझे काफी ज्यादा अच्छी भी लगी, मतलब विजुअल इफेक्ट्स वगैरह काफी ज्यादा मतलब A1 लेवल के थे। लेकिन जो स्टोरी थी ना, मतलब लोग वैसे तो वो सुपर डुपर हिट मूवी है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा वो कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल स्टोरी चल रही है। मैंने वो आधी भी नहीं देखी, मैं इतना जल्दी बोर हो गया उस मूवी से कि मैंने बंद कर दिया। और खैर आजकल ना मूवी देखने का बिल्कुल प्लान नहीं है, जो मैं बस एक चीज़ चलती रहती है कि किस तरीके से आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँ और भी बेहतरीन तरीके से। क्योंकि क्योंकि सीन ऐसा है कि बाहर कोविड बहुत ज़्यादा है, और मेरा भी मतलब जब तक आप लोगों के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता तब तक मैं बाहर नहीं जाता, और बाहर जाता भी हूँ तो सिर्फ इस वजह से चला जाता हूँ कि चलो भी थोड़ा बहुत शूट हो जाएगा। लेकिन स्टिल बाहर जाने के बाद ना मोबाइल निकलता ही नहीं हाथ से, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब छोड़ो यार क्या शूट करना बाहर ये वो, और ऐसे में कॉन्टेंट चला जाता है। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। और मेरे यहाँ पर आपको देख रहे कितना ज़्यादा शोर हो रहा है, देख लो कर्फ्यू वगैरह में गाड़ियाँ कम चलती हैं, इस वजह से शांति थी 2 दिन, अब देखो कितना ज़्यादा शोर होता है मेरे यहाँ पे कि मैं 2 मिनट के लिए व्लॉग भी नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा शोर होता है यहाँ पे। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि सुबह हो चुकी है और कल मैं व्लॉग एंड करना ही भूल गया था, एडिट भी नहीं कर पाया, मतलब थोड़ा कुछ काम ऐसा आ गया जिसकी वजह से कुछ भी नहीं किया मैंने, और फिर मैं वो काम ख़त्म करके थोड़ा लेट नाइट तक काम ख़त्म हुआ था, उसके बाद मैं सो गया। तो जो व्लॉग है मैं अब एडिट कर रहा हूँ, मतलब एडिट करने बैठूंगा इसको एंड करने के बाद। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।